केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की जो बस थी वो लगभग 8:30 बजे एक खाई में सड़क के किनारे गिरी है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं, हमने 2 लोग यहाँ पे एपेक्स में एडमिटेड हैं, बाकी सबको एम्स में हमने रेफर कर दिया है। सभी स्टेबल कंडीशन में है। एम्स के डायरेक्टर से और एपेक्स के जो अस्पताल के संचालक हैं उनसे हमारी टीम संपर्क में है, उनको बेस्ट पॉसिबल केयर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जो एक्सीडेंट के कारण है क्या रहा है उसके लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन हम कर दे रहे हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी, जो भी परिस्थितियां होंगी उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। रात में 8:30 बजे के बीच में यहाँ पे डिस्टिलरी है, उसके कर्मचारी लोग एक बस से वापस शिफ्ट खत्म होने पे निकल रहे थे, तो खपरी गांव के आसपास में ये मिस हैपनिंग हुई है। और एक्सीडेंट के बाद अभी जाके सभी जो घायल लोग थे और मृतक लोग थे 2-3 हॉस्पिटल में इधर उधर उनको शिफ्ट किया गया था, तो अभी टोटल नफरी मिलान करके जो डेटा निकला है उसमें 12 लोगों की डेथ अभी तक कन्फर्म हुई है और करीब 13 लोग घायल हैं उसमें, और उसमें से 8 सीरियस थे, तो उन सारे लोगों को एम्स शिफ्ट किया गया हुआ है। और 3 जो नॉर्मल इंजर्ड लोग हैं वो यहीं पे अपेक्स और होम हॉस्पिटल। बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं जांच के बाद स्पष्ट होगी। तो ऐसे कुछ स्टेप लिए जाएंगे, घटना का रिपोर्टेशन एकदम लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे।